हाँ, कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ना चाहता है या चाहती है, वो उनका स्वागत है। वो उनको कोई रोका नहीं जाएगा, नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं और चुनाव के लिए खड़े हो सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और 17 तारीख को चुनाव होंगे, 19 तारीख को चुनाव के नतीजे की घोषणा होगा। चांस अगर फॉर एग्जांपल अशोक गहलोत जी, जैसे कल उन्होंने हिंट दिया राजस्थान में मीटिंग के दौरान, मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि उसमें अगर वो भी आते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो वन पोस्ट वन प्रेजिडेंट वाला होगा। मैं अगर किंतु परंतु मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। जो मेरे मेरे पास जानकारी है मैं आपको दूंगा। मेरे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि क्या ये आम सहमति बन जाएगी किसी के नाम पर। व्यक्तिगत तौर से मैंने कहा है पहले, व्यक्तिगत तौर से मेरी निजी राय है कि ये जो कामराज मॉडल कांग्रेस में था कई सालों से, कि एक आम सहमति बनाकर अध्यक्ष पद के लिए आप किसी व्यक्ति को चुनो या व्यक्ति को सिलेक्ट करो, वो रास्ता सही है। पर अगर आम सहमति नहीं बन सकता किसी कारणवश, तो चुनाव कराइए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रणाली है और हमने पहले किया भी है। तो चुनाव से हम पीछे हटते नहीं हैं, पर मेरी निजी राय है कि एक आम सहमति अगर बनाया जा सकता है तो वो अच्छा है। पर जो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उनका स्वागत है, उनको कोई रोकेगा नहीं। 10 स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया है कि राहुल गांधी पर, वो उत्साह है, लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी बने, पर वो सिर्फ रेजोल्यूशन है, वो एक मांग है, उनकी जो राय है, उनके मन में जो इच्छा है। क्या राहुल गांधी जी उस रेजोल्यूशन के आधार पर अपने नामांकन पत्र भरेंगे कि नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास वो जानकारी नहीं है। 23 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा के लिए एक विराम का दिन है, रेस्ट डे है, और 24 तारीख को राहुल गांधी जी वापस भारत जोड़ो यात्रा में लग जाएंगे। आपने कोई भी ज़्यादा इन डिटेल एकदम सीजन पॉलिटिशियन की तरह दी दी है, लेकिन फिर भी जो चुनाव हो रहा है तो उसको अगर हम फाइनल कहें कि एक जो मनीष तिवारी जो बाकी सब ने उठाए थे, तो वो लिस्ट है, विस्ट है, सब कैंडिडेट होंगे, लिस्ट को लेके अब सब सेटल है, लोगों के मन में कोई शंका नहीं, किसी के नाम किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लिस्ट की बात करें कोई जानकारी नहीं है। मैं वही अखबार पढ़ता हूँ या वही हेडलाइन देखता हूँ जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं। हाँ, कभी कभी मैन्युफैक्चर हो जाता है हेडलाइन, पर जैसा कि मैंने कहा, 2, 3, 4, 5 व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेंगे उनका स्वागत है, चुनाव होंगे, नतीजा का घोषणा होगा और नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, पर अगर आम सहमति से हो सकता है तो वो बेहतर है।